टाइप्स बेस क्या हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री. ओके डिग्री के बेस पे देखिए टाइप फर्स्ट है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है. कॉन्स्टेंट और ये सब आपको बेटा याद होना चाहिए लर्न बिल्कुल भी. देखिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल नाम से आपको पता चल रहा है क्या पता चल रहा है नाम से कॉन्स्टेंट होगा सेम होती है. ऐसा किधर देखिए थोड़ा सा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ना आपको नंबर दिखाई पड़ेगा सिंपल जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7 बस. ओके ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है. तो देखिए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल को बनाएंगे कैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं. इसको रब कर दो देखिए इसको ना पहचानिए आप कैसे पहचानोगे. हमने टॉपिक का नाम क्या रखा है टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री. तो मतलब इसका मेरे को डिग्री चेक करना है. इधर देखिए जरा इसका डिग्री चेक करने का क्या स्टाइल है. एक्स आपको दिख रहा है क्या कहीं कैसे दिखाओगे. yes. तो क्या करेंगे 7 into 1 कर देंगे बिकॉज 7 बन जाए also 7 और 1 की जगह क्या लिखोगे x raised to the power 0. ओके तो ये क्या आ गया 7 x raised to the power. अब बताओ डिग्री कितनी है 0 क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है 0. तो बताइए डेफिनेशन क्या बनेगी कांस्टेंट पॉलीनोमियल का. अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0 ठीक है. तो आ पॉलीनोमियल को मैं ऐसे लिख ले रहा हूं p ऑफ x करके. अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज अ कांस्टेंट पॉलीनोमियल. याद हो गया. बताइए कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होता है 0. कौन सा पॉलीनोमियल कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है कौन सा पॉलीनोमियल कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 ऐसे नंबर ठीक है. किसका डिग्री 0 होता है कांस्टेंट ठीक है. और एग्जांपल देखिए कांस्टेंट पॉलीनोमियल का h ऑफ y इज इक्वल्स टू -2/3. ओके इधर ध्यान दें h ऑफ y इज इक्वल्स टू -2/3 पॉलीनोमियल है क्या ये कौन सा है कैसे बनाओगे बताओ. जीरो पॉलीनोमियल. ओके इधर से आंसर देखिए जरा जीरो पॉली नॉमिनल थोड़ा सा ध्यान दें जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है. तो सुनिए अभी एक मिनट पहले करके देख लेते हैं फिर चेक करेंगे जीरो पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होता है. पहले देख लेते हैं. देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अगर जीरो लिखा है ओके तो ये जो जीरो है ना इसी को हम क्या बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल. ध्यान रखिएगा जीरो को ही क्या बोलते हैं जीरो पॉलीनोमियल. कोई कांस्टेंट नंबर लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट पॉलीनोमियल. देखो जैसे हमने कांस्टेंट पॉलीनोमियल किया था हमने 7 लिखा फिर हमने उसको फटाक से क्या चेक किया उसका डिग्री. इधर ध्यान दें अभी हमने क्या लिखा है 0 नाम क्या दिया उसको जीरो पॉलीनोमियल. तो इसका हमको क्या बताना पड़ेगा डिग्री बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा. जैसे कि कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री आपने कितना बनाया 0 तो जीरो पॉलीनोमियल की डिग्री आइए जरा देखते हैं कितनी. इसको चेक करना पड़ेगा भैया ऐसे नहीं समझ में आएगा. देखिए क्या करते हैं डिग्री ऑफ किसका ध्यान दें. अब जैसे कि आपने 7 को क्या लिखा था 7 into 1 ध्यान दें मैं 0 को क्या लिख सकता हूँ 0 into 1 फिर मैंने 0 into x का पावर क्या कर दिया 0. लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए आंसर वापस 7 into 1 करोगे तो आने कितना वाला है 0 into something करोगे तो आने ओके मतलब आएगा अपने को उतना ही. कोई और आया उसने बोला नहीं 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 ऐसा नहीं करो ऐसा कर दो 0 into x to the power 1 कर दो तब भी आंसर कितना आएगा 0 बिकॉज़ 0 तो किसी को मिल जाएगा ना 0 तो हम लोग कंफ्यूज हो गए. फिर हमने कहा अच्छा कोई और आया बोला नहीं 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 इसका पावर 2 करो 0. आप क्या देख रहे हो हमें तो पावर का पता ही नहीं है. देख रहे हो आपको पावर का पता है क्या क्योंकि x का पावर 100 भी होगा तब भी आंसर कितना आने वाला है. तो जो चीज नहीं पता होती उसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं अनडिफाइंड. क्या बोलेंगे अनडिफाइंड ओके या नॉट डिफाइंड. तो डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलीनोमियल इज नॉट डिफाइंड. कारण समझ में आया
कि नहीं समझ में आया भाई? समझ में आता है? वहां तो आपके पास कितना ऑप्शन था लिखने का, केवल एक। सच बात है कि नहीं? क्योंकि इधर देखिए, अगर मैं इसको 7, 8 में x की पावर 2 कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 7x चेंज हो गया, अपने को उन्होंने क्या दिया था? 7। समझ रहे? 7 एक ही केस में आ सकता है जब आप x का पावर 0 लिखोगे। 1 क्यों लिखोगे भाई? 0। तो इसलिए कांस्टेंट पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी? 0। लेकिन 0 पॉलीनोमियल होता कौन है? कौन होता है 0 पॉलीनोमियल? कौन होता है 0 पॉलीनोमियल? 0। और उसका डिग्री कितना होता है? 0 होता है। अंडरस्कोर कांस्टेंट पॉलीनोमियल कौन होते हैं? आप सिंपल बोलोगे नंबर लिखा होता है, कोई रियल नंबर लिखा होगा, उसका डिग्री कितना होता है? फटाक से सोचोगे, नंबर को लिखेंगे इनटू 1 और 1 का वैल्यू होता है x टू द पावर 0, तो डिग्री कितना हो गया? 0। लेकिन अगर आपके पास 0 पॉलीनोमियल क्या होता है, तो आप फटाक से सोचोगे 0 ही 0 पॉलीनोमियल होता है, ठीक है? फिर सोचोगे इसका डिग्री कैसे निकालें? फिर 0 * 0 * x का पावर 0 किया तब भी 0 आया, 0 * x का पावर 1 किया तब भी 0 आया। कुछ भी लिखोगे 0 * x का पावर 1000 0, तो हमको नहीं पता किसका पावर क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, 0 पॉलीनोमियल का डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। ओके, अगला देखिए, हो गया। नेक्स्ट देखिए, लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है? आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है? यस सर। 9th क्लास में? यस सर। नाम से क्या पता चलता है? वहां पे जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती थी, याद है आपको? छोटी क्लासेस में हम लोग ऐसे पढ़ते थे, 2x + 1 = 2, x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते थे, x का वैल्यू कितना आ जाता था? 1/2 सॉल्व करके। x का मैक्सिमम पावर यहां कैसा दिख रहा है आपको? 0। x का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 0 दिख रहा है। बताइए भाई, आपको इतनी देर से ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर केवल x लिखा होगा तो उसका पावर कितना है? 0 है, 1 है ना? समझ में आता है कि आप लोगों को ये x का x पे पावर कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब x की पावर 1, और x की पावर 0 होने का मतलब ही क्या होता है? 1। वो मैं कहीं पे भी लगा सकता हूं, जैसे कि यहां 2 के साथ मैं क्या लिख सकता हूं? वो दिखेगा नहीं x की पावर 0 कभी। ठीक है, तो ये हो गया x की पावर 1/2, सॉरी x की वैल्यू आ गई। ओके, तो यहां पे क्या स्पेशलिटी देखते हैं? पावर कितनी x की? मैक्सिमम 1, और ये इक्वल टू का साइन लगा है, तो ये इक्वेशन है, तो इस टॉपिक का क्या नाम पड़ जाता था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, इसी तरीके से तो लीनियर पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती होगी? नाम से पता चलता है, अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो इस लीनियर पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होती होगी? 1। तो याद रखिए, लीनियर पॉलीनोमियल कौन से होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री 1। ओके, एग्जांपल देखिए, p(x)(2, 4x - 3, ये लीनियर पॉलीनोमियल है। क्यों? x का मैक्सिमम पावर कितना है यहां पे? 1, इसलिए लीनियर पॉलीनोमियल। ओके, नाउ ये देखिए, f(t)√3t + 5, क्या ये पॉलीनोमियल है? है सर, रूट है, रूट वेरिएबल पे तो नहीं लगाया ना, नंबर पे लगाया ना? क्यों भाई, आप तो कोई नहीं पढ़ाई क्या 9th में? हां, रूट 3 कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, और रूट 3 कैसा बिहेव कर रहा है? टी का कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट रियल नंबर होते थे कि नहीं? a1 a2 a3, तो फिर चलेगा, टी पे तो रूट नहीं है ना? ठीक है, तो ये पॉलीनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो टी का मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? 1। नहीं दिख रहा है का मतलब क्या लगा हुआ है? 1। और 0 किसके साथ लगा होगा? t का पावर 0 किसके साथ लगा होगा? तो इसमें देखते हैं, t की पावर 0 किसके साथ लगी होगी? 5 के साथ, क्योंकि कैसे लिखोगे उसको आप? √3 × t + 5 × 1 करोगे पहले, और हां इसको तो फालतू में इनटू लगा दिया, यहां ना लगाओ, √3 × 2 + 5 × x की जगह t^0। तो ये हो गया लीनियर पॉलीनोमियल। ओके, और एक और इसमें एक आपको नोट करना है कि लीनियर पॉलीनोमियल ना दो तरीके के हो सकते हैं, कौन-कौन से? मोनोमियल और बायनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलीनोमियल
अगर आप इनको टर्म्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये दो तरीके के हो सकते हैं, पॉलीनोमियल एंड बस। याद रखना बेटा, मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होगा, ठीक है, तो मोनोमियल मींस सिंगल टर्म, और बायनोमियल मींस टू टर्म्स। ओके, टर्म्स कैसे पहचानोगे आप? इधर देखिए, सिंगल टर्म मतलब 2/3x, बस ये सिंगल टर्म है। बायनोमियल को देखिए, 2/3x तो हो गई, प्लस 1 नहीं होगा। ये रहा फर्स्ट टर्म और ये रहा सेकंड टर्म। ओके, इधर देखिए और एग्जांपल, आखिर इसमें बायनोमियल में ट्राइनोमियल क्यों नहीं होता है? इसमें ट्राइनोमियल क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है मैं पूछ रहा हूँ। लीनियर पॉलीनोमियल में ट्राइनोमियल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इधर देखिए, मान लीजिए कि मैं लिख भी देता हूँ, चलो सपोज मैंने लिख दिया कि 2x प्लस 5x प्लस 3, कितने टर्म दिख रहे हैं? 3। लेकिन है तो नहीं, ठीक है, 2x प्लस 5x कितना हो जाएगा? 7x। ओके, क्योंकि पावर दोनों की सेम है ना, 1-1, तो ऐड होगी, वो सिंगल टर्म नहीं बन जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या पॉसिबल है? बायनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं होगा। और अगर कोई बोलता है चलो ऐसे कर लो भाई, 7x प्लस 3 प्लस 5 कर लो, अभी भी ये ट्राइनोमियल नहीं है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 7x प्लस 8। कोई प्रॉब्लम है? समझ रहे? कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कर लो आप, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 कर लो, अब तो ट्राइनोमियल बन गया, 1, 2, 3 बन गया, क्योंकि x का पावर क्या है? 2, और x का पावर 1 है, अब तो ऐड नहीं हो सकता, लाइक टर्म्स नहीं है ना ये, भाई x का पावर 2, x के पावर 2 वाले टर्म में ऐड होगा, इसमें तो नहीं हो सकता, तो लेकिन लीनियर पॉलीनोमियल, हां तो लीनियर नहीं है, ठीक, क्योंकि अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, बता रहा हूं, समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलीनोमियल का डिग्री 1 होता है, और मैक्सिमम इसमें कितने टर्म्स हो सकते हैं? 2। हां, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वी कैन क्लासिफाई अ लीनियर पॉलीनोमियल इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज मोनोमियल एंड सेकंड इज मोनो का मतलब सिंगल टर्म, बायनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म्स होंगे। कोई दिक्कत है? ओके, नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, देखिए सर, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में इसका डिग्री कितना होता होगा बताइए? 2। याद रखिएगा, द पॉलीनोमियल व्हिच हैज अ डिग्री ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बताना भूल गया, वापस आ जाइए, लीनियर पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b, ओके, नॉट bx, उसमें होता है x, जनरल फॉर्म क्या होता होगा इसका? ax प्लस b, याद रखिए भाई, ax प्लस b, ओके। और इसमें आपको एक और कंडीशन याद रखनी है, a और b क्या है यहाँ पर? a एंड b आर रियल नंबर्स। डेफिनेशन में बताया गया था आपको, जो कोफिशिएंट आगे लगे होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। ओके, ए एंड बी आर रियल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, करके दिखाता हूं मैं आपको, इधर देखिए, हाँ भाई चलिए, ए और बी क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या आता है? रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, जीरो भी तो आता है, रियल नंबर लाइन पे जीरो भी तो आता है, लेकिन अगर मैं ए का वैल्यू कितना रख दूं? 0, तो देखिए 0 इनटू x प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा? 0 इनटू x, 0 प्लस b कितना आ गया? b, तो f ऑफ x क्या बन गया? b, ये तो क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट पॉलीनोमियल, इसका अब डिग्री कितना हो जा रहा है? कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होता है भाई? 0, क्योंकि b को क्या लिखोगे? b into x का पावर 0, समझ रहे हो? तो आप समझ में, आपको a का वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकता है? और कुछ भी लो, चलो फटाफट मुझे बताओ, a का कोई वैल्यू लो फटाक से,
ए का वैल्यू लो, कोई रियल नंबर बताओ। टू, टू ले लिया इन्होंने ए, और आगे क्या लगा हुआ है एक्स। प्लस बी का कुछ भी वैल्यू लो, थ्री माइनस फाइव बाय थ्री ले लो, तो प्लस ब्रैकेट में माइनस फाइव बाय, तो टू एक्स प्लस माइनस माइनस फाइव बाय थ्री। ये कैसा पॉलीनोमियल है? लीनियर। लीनियर में कैसा है, मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बाइनोमियल है। अब आपसे कोई पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू बताइए, तो आप जनरल फॉर्म क्या होता है? AX plus B. AX plus B. और इसमें केवल दो पॉसिबल है, मोनोमियल और बाइनोमियल। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक से हम कर लेंगे। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होते हैं। ओके, पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड, ठीक है, तो पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू, ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्यूपी। ओके, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म होता है यस f of x is equals to ax square plus bx plus c। ध्यान रखें ax square plus bx plus c, जहां पर a b c क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं a b c belongs to रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैपिटल R। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, ये belongs to का साइन है, तो a b c आर रियल नंबर, बट a is not equals to 0, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए भाई। ओके, ये a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी b भी 0 हो सकता है और c भी। पता है क्यों? क्योंकि देखो अगर a 0 हो जाएगा ना, थोड़ा सा पुट करके देखिए, a का वैल्यू मान लो मैं 0 लेता हूं। ओके, तो a is equals to अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 0 लेने पर ये हो जाएगा 0x square plus bx plus c। तो देखिए 0x square तो 0 हो जाएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? bx plus c। और ये कैसा दिख रहा है आपको? लीनियर पॉलीनोमियल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि देखिए जैसे लीनियर है हमारा, ओके, हाँ, तो लीनियर है हमारा, तो लीनियर का डिग्री 1 होता है, तो लीनियर का फॉर्म क्या होता था? लीनियर का फॉर्म होता था ax plus b, और जहां पर बोला जाता था a is not equals to 0, याद है? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x का तो टर्म ही नहीं आएगा, x की पावर 1 का तो टर्म ही नहीं आएगा, और जब x की पावर 1 का टर्म नहीं आएगा तो वो लीनियर नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से हाँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये देखिए f of x is equals to एक पॉलीनोमियल मैं ले रहा हूँ 2x square plus 3x minus 4 by 5, ओके, ये दिख रहा है, ये कैसा पॉलीनोमियल है? क्वाड्रेटिक है, क्यों? इसका डिग्री कितना है? 2। अब सुनिए, अगर आपसे बोला जाए कि कंपेयर करिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से और a b c का वैल्यू बताइए, तो कैसे बताओगे? कंपेयर ऐसे करोगे, x square का जो कोफिशिएंट है वो x square के कोफिशिएंट के इक्वल, मतलब a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल साइन के साथ प्लस, तो b is equals to plus 3। ओके, नाउ कांस्टेंट टर्म c equals to minus 4 by 5, ये आपको पता चल गया। बट ना इस पे देखिए आपको ऐसा भी मिल सकता है, मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, ये देखिए एक पॉलीनोमियल है इन वेरिएबल y, g of y is equals to 2y square minus 3, ओके, ये एक पॉलीनोमियल है। देखिए क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। लेकिन हम एक चीज देखते हैं, हमको तो x square का टर्म दिख रहा है, मतलब हमको y square तो दिख रहा है, बट x मतलब कि y नहीं दिख रहा है, तो आप बना लो, जब भी नहीं दिखेगा तो बना लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे, वहीं से देख देख के लिखते जाओ, पहले स्क्वायर का टर्म आता है, फिर पावर 1 का टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। ओके, तो पहले स्क्वायर का टर्म आएगा 2y स्क्वायर, ओके, प्लस पावर 1 का टर्म क्या लिखेंगे? 0 y। ध्यान दें, जब भी नहीं है उसमें अगर y का टर्म, तो आप क्या लिख दोगे? 0। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि देखो यहां पे देखिए जरा, माइनस 3 तो लिखा ही हुआ है और ये भी लिखा है, क्या इसके बीच में मैं अपने मन से प्लस 0 नहीं कर सकता? क्योंकि किसी भी वैल्यू में जीरो ऐड करोगे तो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा, और इस जीरो को मैं क्या 0 into y नहीं लिख सकता,
क्योंकि y का टर्म है ही नहीं ना, 0 into y लिखोगे उसको। तो आप इसको कंपेयर करिए, a का वैल्यू कितना आएगा 2 और b का वैल्यू कितना आएगा 0 और c का वैल्यू कितना आएगा -3। और डेफिनेशन क्या बोलती थी कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बस। ओके, ये एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का फॉर्म है। और आप याद रखें, जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में ये नहीं दिखता है ना y की पावर 1 या x की पावर 1, तो बना लो, क्या लिखोगे इसको, 0 into y या 0 into x, जो भी वेरिएबल होगा, x हो सकता है, y हो सकता है, v हो सकता है, u हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, एक और इसमें आपको ध्यान देना है कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मोनोमियल होगा या तो बाइनोमियल होगा या तो ट्राइनोमियल होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता, मोनोमियल भी हो सकता है ये, बाइनोमियल भी हो सकता है ये, और ट्राइनोमियल भी हो सकता है। बट लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता था, केवल मोनोमियल और बाइनोमियल, ये तीनों हो सकता है। ओके, तीन तो होना ही पड़ेगा, क्यों, आप यहाँ पे देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक तो क्या आना है, x स्क्वायर का टर्म, और क्या आना है, x, और क्या आना है, कांस्टेंट टर्म आना है कि नहीं आना है। तो तीन टर्म मैक्सिमम इसमें आ सकते हैं, लेकिन अगर ये x वाला टर्म ना हो तो देखिए ax स्क्वायर प्लस c बन जाएगा, अब कितने हो गए 1 2, तो बाइनोमियल बन सकता है। इसी में अगर आप देखें, अगर c वाला टर्म ना हो, मतलब कांस्टेंट टर्म ना हो, जो नंबर नहीं लिख के आता पीछे, अगर वो ना हो, तो ये तब भी ये क्या बन जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx, तब भी ये क्या बन गया, बाइनोमियल। और देखिए इसमें अगर x का भी टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म भी ना हो, तो ये क्या बन सकता है, अगर x का टर्म भी ना हो तो ये ax, x का टर्म ना हो और कांस्टेंट टर्म ना हो, ये भी जीरो हो जाएगा x का टर्म, और ये भी जीरो हो जाएगा c का टर्म, तो क्या बनेगा, x का, तो ये मोनोमियल बन जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखें, x स्क्वायर का टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब a का वैल्यू का, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब a कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो उसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, नोट करना चाहते हैं कुछ, हां, नेक्स्ट देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलीनोमियल का डिग्री कितना होता होगा बताइए, 3। यस, और डिग्री 3, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा आता होगा, देखिए डिग्री 3, और इसका फॉर्म होता होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, एक एक पावर डिक्रीज करते जाएंगे, प्लस 3 cx, x आना चाहिए ना, प्लस x का पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0। x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1, x की पावर 0 का क्या मतलब होता है, 1, तो यहाँ पे मैं केवल dx की पावर 0 लिखूं या मैं क्या लिखूं, d, क्योंकि x की पावर 0 तो कितना हो गया 1, और d into 1 d। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बताइए इसमें क्या 0 नहीं होना चाहिए, बताइए सर, a, यस, यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो क्यूबिक हो जाएगा। ठीक है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, मतलब x का क्यूब ही, x क्यूब का टर्म ही नहीं होगा अगर इसमें डिग्री 3 होगी नहीं, तो ये क्यूबिक नहीं बन पाएगा। ओके, हां, तो ये हमको याद रखना है। इसके एग्जांपल्स देखिए, देखिए लेट अस से p ऑफ u, ठीक है, मतलब देयर इज अ पॉलीनोमियल इन वेरिएबल u, इट इज गिवन बाय रूट ओवर 2 बाय 3 u क्यूब प्लस 1, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है कि नहीं है भाई, बताइए, हां, यस सर, यस, इसकी डिग्री कितनी है, 3, रूट तो नंबर पे लगा हुआ है ना, वेरिएबल पे तो नहीं लगा हुआ, और 0 0 पर। और देखिए, अगर अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, तो बना लेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, रूट 2 बाय 3 यू क्यूब प्लस, अब प्लस बी, यू स्क्वायर का टर्म नहीं है इसमें, तो प्लस 0 यू स्क्वायर, ओके, प्लस 0 0 यू प्लस, और डी की जगह तो 1 है। ठीक है, कांस्टेंट होता है ये, अकेला 1 है, नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग, कंपेयर करिए फटाफट, ए का वैल्यू बताइए कितना है, रूट 2 है 3, बी का वैल्यू वाइज यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर, बस वेरिएबल चेंज हो गया ना, ये एक्स में पॉलीनोमियल है और ये यू में। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है क्यूबिक का, ये 0 हो जाएगा, सी का वैल्यू 0 और डी का वैल्यू 1। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है हमारा कि देखिए सिंपल, अगर हम यहीं पे देखते हैं ना तो आपको यहीं पे दिख रहा है, देखिए यू स्क्वायर का टू टर्म ही नहीं है, इसका मतलब यू स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना जीरो, तो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट बी कितना हो गया जीरो, यहाँ पे यू का टर्म नहीं है, मतलब कि यू की पावर वन, यू का मतलब क्या यू की पावर वन मतलब एक्स का कोफिशिएंट, मतलब यू का कोफिशिएंट कितना जीरो है, और फिर कॉन्स्टेंट हमने लिख ही राइट दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, अभी आपने क्वाड्रेटिक किया है ठीक है ना, अब बाय क्वाड्रेटिक, ओके बाय क्वाड्रेटिक, ओके देखिए क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती थी बताइए सर, टू, टू में और ऐड कर दीजिए तो बाय क्वाड्रेटिक बन जाता है। ठीक है, तो फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ 4 is called biquadratic polynomial. Okay? Now, इसका standard form कैसा बनेगा? f of x is equals to ax to the power 4 plus बोलिए bx cube plus cx square, एक-एक decrease करते जाइए plus bx plus e. Okay? e last में constant एक number बन जाएगा. Where a, b, c, d belongs to real number, but a is not equals to 0. नहीं तो ये x square, sorry, x की power 4 का टर्म गायब हो जाएगा, ओके? इसके examples देखिए, ये देखिए, suppose there is a polynomial in variable u, it is given by 3u raised to the power 4 minus 5u raised to the power 2 plus 2, ऐसा है, ओके? तो बताइए ये कौन सा polynomial है? इसकी डिग्री कितनी है 4. अब ना आपसे वैल्यू पूछी जा रही है तो आप फटाफट वैल्यू बताओगे कैसे, देखिए पावर 4 का कोफिशिएंट 8, पावर 3 का कोफिशिएंट नहीं है 0, तो b is equals to 0, ओके, और फिर पावर 2 का कोफिशिएंट c is equals to minus 5 and last is the constant term. अच्छा एक चीज और नहीं किया हमने, पावर 1 का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट d, तो यहां पर क्या u का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो क्या करेंगे d is equals to 0 and the constant term is e, तो e का वैल्यू कितना आ गया 2, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए भाई। ठीक है, और देखिए हमारे सिलेबस में क्या है, ये जो a b c d होंगे ना ये रियल कोफिशिएंट्स होंगे, रियल नंबर होंगे, आपको पहले भी बता दिया गया इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ओके, नाउ इमेजिनरी नंबर मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वाले जो नंबर होते हैं, जैसे रूट ओवर माइनस 5, रूट ओवर माइनस 4, रूट ओवर माइनस 8, ये सब इमेजिनरी नंबर होते हैं। ओके, आप क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब हमको नहीं लेना है। ओके।